इंडिया 50 में 50 बड़ी खबरें आपने देखी। आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो दिल्ली के मौसम से जुड़ी हुई है, जहां मॉनसून का इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि दिल्ली के कई इलाकों में अब सुबह से बारिश झमाझम हो रही है। बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पानी भरने से समस्या है। बिल्कुल, कनॉट प्लेस सरिता विहार में सड़क पर पानी भर गया है, ऐसे में जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई है। और आपको बता दें, 16 दिनों की देरी से दिल्ली में मॉनसून पहुंचा है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिल गई है। अचानक दिल्ली में हुई झमाझम बारिश के चलते मौसम खुशनुमा बना हुआ है और इससे दिल्ली वासियों को गर्मी से भारी राहत मिली है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बारिश की तस्वीरें हैं। दिल्ली की सड़कों पर जब बारिश हुई तो उसका असर ट्रैफिक पर तो थोड़ा बहुत हुआ ही है, क्योंकि अभी तो शुरुआत है बारिश की। अभी कुछ ही देर पहले बारिश होनी शुरू हुई है, ऐसे में जगह जगह पानी की भी समस्या है, पानी भर गया है, ट्रैफिक भी सुस्त हुआ है। बिल्कुल, और दिल्ली के धौला कुआं की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर झमाझम बारिश शुरू हुई है। हालांकि इसका असर ट्रैफिक पर भी देखने के लिए पड़ा है। अब गाड़ियां सड़कों पर रेंगती हुई नजर आ रही हैं और ये तस्वीरें धौला कुआं की, जहां पर आज सुबह से जोरदार बारिश का सिलसिला शुरू है। दिल्ली के सरिता विहार की तस्वीरें भी देख लीजिए, जहां शुरुआती बारिश में ही ट्रैफिक धीमा हो गया। हालांकि लोग ये महसूस कर रहे हैं कि ट्रैफिक की दिक्कत फिर भी हम उसे निपट लेंगे, लेकिन जो गर्मी थी उससे राहत लोगों को मिल गई है, जो कि दिल्ली एनसीआर के लिए काफी राहत देती हुई बारिश है। बारिश का इंतजार जो लोग कर रहे थे बेसब्री से, बारिश हुई, गर्मी से राहत मिली। बिल्कुल, और ये दिल्ली के अकबर रोड की तस्वीरें हैं। देखिए, यहाँ पर भी काफी तेजी से बारिश हुई है और पिछले काफी दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही थी जिससे दिल्ली वासी परेशान थे, लेकिन आज सुबह जैसे ही मौसम खुशनुमा हुआ, दिल्ली वासियों ने चैन की सांस ली, क्योंकि अब उन्हें गर्मी से राहत मिल गई है। दिल्ली के जनपद की तस्वीरें आप देखिए, हालांकि सड़कें अमूमन इतनी ज्यादा खाली नहीं रहती है, लेकिन आज सड़क खाली नजर आ रही है और बारिश का लुत्फ उठाते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं। कोई घर में रहकर बारिश का लुत्फ उठा रहा है तो कोई सड़कों पर निकल पड़ा है बारिश का लुत्फ उठाने के लिए। बिल्कुल, उधर दिल्ली एनसीआर में भी बारिश हो रही है। गुरुग्राम की हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए कैसे बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया और प्रशासन के तमाम दावों की यहाँ पर पोल भी खुलती हुई दिखाई दी। शुरुआती बारिश में अगर पानी भर जाए तो आप समझिए कि इंतजाम कैसे हैं बारिश से निपटने के लिए। एक तरफ बारिश का इंतजार होता है, दूसरी तरफ बारिश होते ही कैसे लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। मतलब एक तरफ मौसम में राहत मिलती है, गर्मी से राहत मिलती है, वो राहत लोग एंजॉय तो दूर कर पाते हैं, लेकिन उससे पहले जो परेशानी लोगों को आती है वो परेशानी घेर लेती है। इससे जो राहत मिलती उसमें भी कहीं ना कहीं कटौती हो जाती है। ये जो चार तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये चार तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए, दिल्ली एनसीआर, गुरुग्राम, यहाँ बारिश हुई है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन हाँ कहीं कहीं दिक्कत भी इस बारिश ने खड़ी की है। बिल्कुल, और ऐश्वर्या जैन हमारे साथ दिल्ली के आईटीओ से इस वक्त जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्या, आईटीओ में इस वक्त तस्वीरें कैसी आप देख पा रहे हैं, क्योंकि काफी लंबे वक्त से मॉनसून का इंतजार दिल्ली वासियों को था और ऐसे में जब आज बारिश हो गई है, सुबह से बारिश का सिलसिला भी शुरू हो गया है, लोगों को कितनी राहत मिली है और ट्रैफिक इस वक्त क्या आप कैसे देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए, एक तरफ तो राहत है क्योंकि दिल्ली में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। लगातार भीषण गर्मी के कारण लोग परेशान थे, लेकिन आज जब पहली बारिश हुई तो सीधी तस्वीरों में आपको यह हाल दिखा देता हूँ। ये दिल्ली के अक्षरधाम और आईटीओ को जोड़ने वाला रास्ता है। आप देख सकते हैं सुबह से जो बारिश हो रही है उसके बाद ट्रैफिक की किस तरीके से स्थिति है। जो गाड़ियां हैं वो रेंग रेंग के चल रही हैं। हालांकि दूसरी तरफ रोड के आप देख सकते हैं पानी भर चुका है और कहीं ना कहीं वाटर लॉगिंग की स्थिति भी लगातार अब कई इलाकों में दिल्ली के देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं दूसरी ओर तस्वीरों में, देखिए पेड़ भी कहीं ना कहीं गिरा और उसके बाद जो पुलिस का टेंट था वो गिर गया, उसके बाद पूरी जगह पर वहां पर ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो गई है। लोग सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं जो बाइक से है वो पेड़ के नीचे, लेकिन क्योंकि तेज हवाओं के कारण और बारिश के कारण ये टेंट जो गिर चुका है उसके कारण भी लगातार ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न होती जा रही है। और आ चुकी वर्किंग डे है, लोग दफ्तर जा रहे हैं और सुबह सुबह बारिश होने के कारण समस्या तो है लेकिन लोग खुश भी है क्योंकि इतनी भीषण गर्मी के बाद अब थोड़ी राहत दिल्ली वासियों को देखने को मिली। बिल्कुल ऐश्वर्या, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब दिल्ली में मौसम खुशनुमा बना हुआ